नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रियंका की रसोई में। तो आज हम यहाँ पर देखिए बनाने जा रहे हैं खड़ी मसूर की दाल। ये है दही के साथ हम बनाएंगे, जिसे अखा मसूर की दाल भी बोलते हैं। और ये जो है ना, बहुत ही जल्दी बन करके तैयार होती है और टेस्टी भी बहुत होती है खाने में, और साथ ही साथ हेल्दी होती है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब खड़ी वाली मसूर दाल ली है, उसको मैंने अच्छे से धुल लिया है। और इसको पहले हम क्या करेंगे, बॉयल कर लेंगे। तो जिसमें मैंने पानी, हल्दी, नमक डाल करके इसको मैं करीब 2 से 3 सीटी यहाँ पर लगा लूँगी। 2-3 सीटी हो जाएगी तब तक मसूर दाल हमारी पक जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिए हैं। ये हम लंबे लंबे स्लाइस में, या जैसे भी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप इसको चॉप कर लें अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैंने सारी प्याज अच्छे से पहले छील ली थी, उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। मैंने बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं कट किया है, थोड़ा मोटा मोटा ही कट कर लिया है। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी हम थोड़ा छोटा छोटा ही चॉप कर लेंगे दोनों को। अगर आप चाहें तो आप इसको पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर चॉप नहीं करना है आपको तो आप इसे ग्राइंड कर लें। उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, हम जार लेंगे। जार में सबसे पहले यहाँ पर जाएगा 8 से 9 कली लहसुन की, हरी मिर्च। यहाँ पर मैंने 5 से 6 हरी मिर्च ली है। आप अगर तीखा नहीं खाते हैं तो कुछ मिर्ची आप स्किप कर सकते हैं, अपने हिसाब से ले सकते हैं। और उसके बाद 1 इंच अदरक का टुकड़ा, ये हमने कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून दही ले ली है, और दही में हम सारे मसाले मिक्स करके इसको हम अच्छे से रख देंगे। तो यहाँ पर दही में मैंने सबसे पहले हल्दी, धनिया पाउडर, और उसके बाद में यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर है, ये सब चीज़ें डाल करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि ये जो दही है अच्छे से फेट जाए। इसको हम अच्छे से फेट करके रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए दही हमारी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है, और इधर देखिए दाल भी हमारी पक चुकी है जितना हमको चाहिए कि हाँ इतना ही पका रहे। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर हम कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल और जीरा। जीरा जैसे ही यहाँ पर हमारा चटक जाएगा, तो जो हमने प्याज कट करके रखी हुई थी वो हम इसी में ऐड कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पर इसको हम पका लेंगे चलाते हुए अच्छे तरीके से, ताकि ये पक जाए। और उसके बाद क्या करेंगे, जो अदरक लहसुन और मिर्च का हमने पेस्ट बनाकर रखा हुआ था, आप चाहें तो आप इसे खलबट्टे में भी दरदरा कूट सकते हैं, ये हम इसी में ऐड कर देंगे और इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से पका लेंगे। और जो टमाटर कट करके रखे थे वो टमाटर हम इसी में ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे नमक। नमक क्या करिए, आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, जिस हिसाब से आप खाते हों। और इसको हम ढक करके रख 1 से 2 मिनट के लिए रख करके अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ 2 मिनट के बाद देखिए टमाटर हमारा अच्छे तरीके से गल गया है। अब इसको हम चम्मच की मदद से दबा दबा के अच्छे से मिक्स कर देंगे, और जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा तो जो हमने दही का पेस्ट बना के रखा हुआ था मसाले के साथ, वो हम इसी में ऐड कर देंगे। और जब हम दही ऐड करेंगे तो इसको कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे, तब तक के लिए जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, क्योंकि दही है तो दही फट सकती है, इस वजह से इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। और यहाँ पर देखिए इसको चलाते हुए इसमें उबाल आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने दाल बना करके रखी हुई थी वो हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने दाल ऐड कर दिया है, इसको अब हम ढक करके 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से और पका लेंगे। और ये दही की जो मसूर दाल है, ये आप बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। अगर आप चाहें तो आप इसमें कुछ सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बैंगन हो गया, कुमड़ा वगैरह हो गया, जो सब्जियां आपके पास अवेलेबल हो, जो आप पसंद करते हो, वो सब्जियां भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई सब्जी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं खाली मसूर दाल बना रही हूँ। तो ये देखिए मसूर दाल हमारी बन करके रेडी हो गई है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।